पिशाचिनी के हवेली में होने से बेखबर रानू अभी अभी नहा कर निकल अपने भीगे बाल को झटकती हुई अजीब ढंग से तैयार हो रही थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। ऐसा सुंदर श्रृंगार उसने पहले कभी नहीं किया था। खुले भीगे बालों तले चमकती रेशमी सफेद साड़ी रह रहकर रानू के कंधे से फिसले जा रही थी और उसके यौवन का दर्शन करा रही थी। लाली, काजल, ये बिंदी रानू किसके लिए और क्यों लगा रही थी, समझना मुश्किल था। खूबसूरती की जिंदा मिसाल बन दांतों तले अपने लाल रसीले होंठ भींचते हुए रानू न जाने क्या सोच हवेली के ऊपरी कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जिसमें राणा बत्था और इधर कमरे के अंदर राणावत का काल दोनों हाथों और पैरों के बल उल्टा चलते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। क्या हुआ राणावत, पीछे क्यों खिसक रहा है? क्या मैं पसंद नहीं आई तुझे, जैसे मीना बाजार की कमला आई थी? हाँ आ जा आ जा। नहीं नहीं, आ जा तुझे मेरी बाहों में, आ आ जा। पिशाचिनी अपने बड़े बड़े नुकीले दांत लिए गर्दन टेढ़ी घुमाकर राणावत की तरफ पलंग के नीचे रेंगती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। नहीं नहीं, राणावत चीखता हुआ पलंग के नीचे से दौड़ता हुआ निकला। बचाओ बचाओ, और दरवाजे की तरफ भागा, मगर तभी दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो गया। खोलो खोलो खोलो, मगर दरवाजा नहीं खुला। राणावत की जान अब हलक को थी, तो वहीं पिशाचिनी अब रेंगती हुई पलंग पर चढ़कर बोली, आना राणावत, देख कितना मखमली है ये बिस्तर, आ जा। नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मेरी मरी हुई बीवी की कोई सहेली हो जिसने तुम्हें मेरे बारे में उल्टा सीधा बताया है, तो देखो वो झूठ बोल रही है। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, जो झूठ बोल रही है तुमसे। ये सुनते ही जैसे हंसती हुई पिशाचिनी का गुस्सा अचानक एकदम बढ़ गया। वो राणावत की तरफ बढ़ती हुई चीख कर बोली, मुर्दे कभी झूठ नहीं बोलते राणावत, और अब तू भी सच बोलेगा। बोलते हुए पिशाचिनी झपट्टा मारते हुए राणावत की तरफ कूदी, मगर राणावत खुद को बचाता हुआ दाईं तरफ उछल गया। वहीं दीवार पर गिरती पिशाचिनी की ताकत से दीवार में दरार आ गई। अपनी झुलसी हुई अधगंजी मुंडी को गर्दन पर घुमाते हुए पिशाचिनी राणावत की तरफ देख गुस्से में गुर्राई। राणावत को घेरती हुई पिशाचिनी अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। राणावत रोते हुए दरवाजे से सटकर पिशाचिनी से उसे छोड़ देने की भीख मांग रहा था, मगर उसकी एक न सुनते हुए पिशाचिनी उस पर कूद पड़ी। मगर तभी रानू दरवाजा खोलते हुए वहां आ पहुंची, जिससे राणावत पिशाचिनी के उस तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर गया, और पिशाचिनी उछलती हुई राणावत की जगह रानू के कंधे पर जा बैठी। रानू चिल्लाई। अचानक घटित हुई इस पूरी घटना से सहमी रानू डरते हुए रोने लगी। वहीं पिशाचिनी ने पलट कर देखा कि राणावत मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से वहां से जान बचाकर भाग रहा है। पिशाचिनी पलट कर रानू की तरफ देख पाती उससे पहले ही रानू ने पास पड़े एक गमले को कंधे पर बैठी भयानक पिशाचिनी के झुलसे हुए अधगंजे खोपड़े पर दे मारा, और उससे पहले कि पिशाचिनी संभलती रानू पिशाचिनी को कंधे से झटकती हुई विपरीत दिशा में जान बचाकर भागने लगी। वहीं गुर्राते हुए जमीन पर गिरी पिशाचिनी अब इस सोच में थी कि पहले किसका शिकार करे, राणावत का या इस रानू का। दूसरी तरफ गुस्से में झुंझलाई रज्जो के दोहरे वार से लड़ते राय बहादुर मुसीबत में थे कि रज्जो के इस भयानक वार से खुद को बचाए या राणावत के घर में फंसे लोगों को। बचाओ राय बहादुर, राय बहादुर। राय बहादुर के पास अधिक समय न था,
उन्होंने तुरंत अपनी फिक्र किए बगैर अपने हाथों से निकलती सुनहरी रोशनी की दिशा राणावत के घर की ओर जाते काले विस्फोटक धुएं की ओर मोड़ दी। राय बहादुर की चिंगारियों से टकराते ही वो विस्फोटक शक्ति बीच रास्ते में ही ध्वस्त हो गई। मगर दोहरे वार के चलते राय बहादुर खुद को इस वार से न बचा पाए और वो काला विस्फोटक धुआं सीधा उनकी छाती पर लगता हुआ फट पड़ा। राय बहादुर, भयानक विस्फोट की आवाज से पूरा भयनगर गूंज उठा। वहीं राय बहादुर इस विस्फोट से घायल हो हवा में उछलते हुए लहूलुहान हालत में जमीन पर आ गिरे। उनके हाथों से निकलती सुनहरी रोशनी बुझते हुए शांत होने लगी। उनकी नजरें धुंधली हो चलीं और उनके कानों में आती चीखती आवाजों के बीच धीरे धीरे रज्जो का वो भयानक हंसना गूंज उठा। रज्जो राय बहादुर की ये हालत देख जोर जोर से हंसने लगी और अब राय बहादुर के लिए परेशान और चीखती भानु की तरफ देख गुर्राई। गया तुम्हारा राय बहादुर, कोई नहीं बचा सकता अब तुम्हें और ना तुम्हारे इस राय बहादुर को और ना इस भयनगर को। सभी लोग डर कर सहम गए। ये लोग जो ये सोचकर खैर मना रहे हैं कि मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती, ना ही इसके करीब आ सकती हूँ, ये सभी मरेंगे। और राणावत भी मरेगा। ये तुम्हारा राय बहादुर भी बेवकूफ है, ये सोचकर कि वो मुझे हरा देगा, मरते मरते मुझे बता गया कि राणावत चंदन लाल की हवेली में है। मरेगा राणावत तो मरेगा ही। कहती हुई रज्जो अगले ही पल राय बहादुर के बनाए इस कवच के अंदर बिजली से भी तेज गति से गोल गोल घूमने लगी। इतनी तेज कि उसे एक जगह देख पाना भी मुश्किल था। गुर्राती हुई सरकटी रज्जो किसी काले साए की तरह तेजी से घूमने लगी, जिससे कुछ ही देर में हवा और धूल का ऐसा बवंडर उठा कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो रहा था, सिवाय उस भस्म की सफेद रेखा के, जो इस हवा के बवंडर में उड़ती हुई अब धीरे धीरे बिखरने लगी थी। यही तो रज्जो चाहती थी। बड़ी चतुरता से बगैर उस भस्म कवच के नजदीक जाए रज्जो उस रेखा को हवा के तेज आवेग से बिखेरते हुए कवच को तोड़ रही थी। जमीन पर निढाल पड़े राय बहादुर ये सब देख रहे थे, मगर वो घायल थे। रज्जो को रोकने के लिए उठने की भरपूर कोशिश करते राय बहादुर उठते ही फिर जमीन पर गिर जाते। रज्जो की उस विस्फोटक शक्ति ने उन्हें क्षति पहुंचाई थी। हाथों से चिंगारी छोड़ रज्जो को रोकने का उनका प्रयास भी विफल हो रहा था। जैसे उनके अंदर सुनहरी शक्तियां भी उस घातक वार से विक्षिप्त हो गई थीं। हवा के उठते तेज वेग से राय बहादुर के सामने उनका बनाया कवच टूट रहा था, जिसका मतलब था तबाही भयनगर की, मौत भयनगर में मौजूद हर जिंदा चीज की। कवच टूटता देख लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। सभी चीखते चिल्लाते भागने का प्रयास करने लगे, मगर तेज उठे इस बवंडर से सभी कभी दाएं तो कभी बाएं गिर रहे थे। स्थिति अब काबू से बाहर हो रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए मुखिया जी, भानु ने कहा। सभी पीछे के दरवाजे की तरफ चलो। भानु का इतना कहते ही सबसे पहले चरण सिंह और दयाल अपनी जान बचाकर पीछे की तरफ भागे। पीछे पीछे केशव, मुखिया, भानु भी भागे, मगर उनके घर से बाहर निकलते ही बवंडर अब धीमे धीमे शांत होने लगा। अपना विशाल काय उभरा शरीर लिए दौड़ती रज्जो भी धीमे धीमे रुकने लगी। ये देख सभी हैरान थे, तो वहीं रज्जो के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने अपने कटे सर से सभी की तरफ देखते हुए अब उस तरफ इशारा किया जिस तरफ से भस्म रेखा हवा के वेग के कारण पूरी उखड़ चुकी थी। राय बहादुर का बनाया कवच टूट चुका था। इसका मतलब था सबके माथे पर मंडराती मौत। वहीं दूसरी तरफ हवेली में काल बनकर टूट पड़ी पिशाचिनी दौड़ती हुई दीवारों पर छिपकली सी भागती उछलती कूदती पहली मंजिल से उतरते हुए नीचे आ गई थी।
मगर उसकी पहुंचने के पहले ही राणावत और रानू गायब थे। कहाँ हो राणावत? तुम दोनों कहाँ हो? छुपम छुपाई खेलना चाहते हो? पिशाचिनी ने हर ओर अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न था। राणावत और रानू दोनों हवेली के स्टोर रूम में रखे बहुत से कबाड़ के पीछे छुपे थे। अब हम क्या करेंगे? रानू ने घबराते हुए पूछा, मगर राणावत का ध्यान कहीं और ही था। उसकी प्यासी नजरें रानू के कंधे से फिसलकर गिर चुके पल्लू के कुछ ऊपर रानू के उभरे कसे यौवन पर थी। राणावत की तेज चलती सांसों का कारण डर के साथ साथ अब रानू का इतना करीब होना भी था। रानू के उजले और कसे हुए भरे बदन से टकराते ही जैसे राणावत की ढलती उम्र में जवानी का सूरज उगने लगा था। राणावत की टपकती लार देख रानू ने मुंह बनाते हुए तुरंत अपना पल्लू फिर संभाल कर छाती को ढक लिया। राणावत भी लज्जित हो नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा। उधर पिशाचिनी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब बिजली के डब्बे की तरफ आ गई थी और एक कुटिल मुस्कान लिए उसने बिजली का सॉकेट गिरा दिया। पिशाचिनी के ऐसा करते ही पूरी हवेली की बत्ती गुल हो गई, जिससे डरी रानू घबरा कर राणावत के बाजुओं से चिपक गई। रानू के उभारों से छूता राणावत का हाथ मानो वहीं का वहीं जम गया। राणावत की ठरक अब रानू के वक्षों को छूते उसके हाथ से बढ़ती हुई सीधे उसके सर पर चढ़ने लगी थी और दूसरी तरफ अंधेरे में जगमगाती पिशाचिनी की भूतिया सफेद आंखें हर ओर राणावत और रानू को ढूंढ रही थीं। आ जाओ राणावत, कहाँ छुपे हो? धप्पा धप्पा सुनते ही जैसे रानू और राणावत की सांसें हलक को आ गईं। पिशाचिनी की चमकती आंखों को अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वहीं राणावत और रानू की आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा चुका था। तभी हवेली के बाहर भौंकते कुत्तों ने सभी का ध्यान खींचा। पिशाचिनी दीवार पर उल्टी लटकी धीमे धीमे आगे बढ़ती हुई अब स्टोर रूम के बिल्कुल नजदीक थी, तो वहीं राणावत का चरित्र भी रानू की उभरी छाती से फिसलता हुआ उसकी कमर पर गिरने के बिल्कुल नजदीक था। अकस्मात ही राणावत के हाथों ने अंधेरे में रानू के कोमल कंधों को जकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, रानू ने गुस्सा होते हुए दबी आवाज में कहा, मगर इसका बगैर कोई जवाब दिए राणावत तेज सांसें लेता अब रानू को अपनी ओर खींचता हुआ उसके गालों उसके बालों को सूंघ उसकी खुली पीठ पर हाथ फेरने लगा। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, रानू ने फिर खुद को छुड़ाते हुए दबी आवाज में टोका। मगर तेज आवाज करते ही पिशाचिनी वहां आ सकती है, ये बात राणावत अच्छे से जानता था और उसी का फायदा उठाते हुए राणावत अब रानू की कमर को अपने हाथों में कसता हुआ अपने होंठ रानू के खुले बालों के नीचे उसकी गर्दन पर घुमाने लगा। छोड़िए मुझे, रानू रह रहकर अपने आप को राणावत से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर राणावत उतना ही उसे अपनी ओर जबरदस्ती खींचे जा रहा था। बिचारी रानू न चीख सकती थी न चिल्ला सकती थी, क्योंकि ऐसा करते ही पिशाचिनी के रूप में खुद मौत उस पर टूट पड़ती और दूसरी तरफ था अपने आप पर काबू होता राणावत। छोड़ो मुझे, इधर कुछ सोचकर रज्जो पलटी। उस लंपट राणावत को तो मैं मारूंगी ही, पर क्यों ना उससे पहले उन्हें भी खत्म कर दूं जिन्होंने मुझे रोकने के लिए इस कवच को बनाने वाले को यहाँ बुलाया था। क्यों चरण सिंह? नहीं नहीं, चरण सिंह समेत सभी के पसीने छूटने लगे। इधर सभी रज्जो की ताकत के सामने असहाय थे, तो उधर हवेली पर रानू राणावत की बढ़ती हवस के सामने। छोड़ो मुझे, रानू ने इस बार राणावत को धक्का देते हुए कहा। राणावत अंधेरे में लोहे की किसी चीज से टकराता हुआ पीछे फिसला, मगर खुद को संभालता हुआ राणावत फिर रानू को अपनी ओर खींच
उसके भरे शरीर को हाथों से मसोचते हुए तेज सांसें लेते हुए बोला, छोड़ो ये दिखावा, मुझे भी बताए तुम ये चाहती हो, वरना इतना तैयार होकर मेरे कमरे में क्यों आई थी। आ जाओ आ जाओ। कहते हुए राणावत बेकाबू हो रानू की गर्दन उसकी छाती को चूमने लगा। मगर तब तक उधर राणावत के टकराने से आई वो आवाज पिशाचिनी के कानों तक पहुंच चुकी थी। क्या राणावत से खुद को बचा पाएगी रानू? क्या राणावत की हवस ही उसकी मौत का कारण बनेगी? क्या अपने पति राणावत से पहले सरकटी रज्जो चंदनलाल केशव समेत सभी को मार देगी? सुनहरी शक्ति के यूं कमजोर हो जाने पर राय बहादुर को कौन सी शक्ति बचाएगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, अजीब रहस्यों से भरी एक भयानक दास्तान, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।